तो कैसे हो दोस्तों आप सभी झांसी वालों, स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आ चुका हूं झांसी के एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट में जिसका नाम है आशा स्काईलाइट। और दोस्तों ये रेस्टोरेंट आपका पड़ता है करौंदी माता के पास। और दोस्तों इसमें रूम्स हैं, शादी एंगेजमेंट है, एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, इवेंट जो भी आप करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं दोस्तों। और आइए दोस्तों अब आपको अंदर लेके चलता हूँ मैं आशा स्काईलाइट में और दिखाता हूँ कैसा बना हुआ है ये रेस्टोरेंट और कैसे कहा यहाँ पर इनके रेस्टोरेंट के एम्बियंस हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपन अंदर और घूमते हैं इस प्यारे से रेस्टोरेंट को। अब जा रहे हैं हम आशा स्काई लाइट के अंदर। तो अंदर जैसे ही आप एंट्रेंस करेंगे तो यहाँ है इनके ये कॉटेज, काफ़ी बढ़िया कॉटेज बने हुए हैं दोस्तों। इसके राइट साइड है कॉटेज और लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं इनका मॉकटेल बार है। यहाँ अगर जो मॉकटेल के शौकीन हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, देखिए दोस्तों आप। और अब चल रहे हैं हम अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर से ये कैसा लगता है। और दोस्तों काफ़ी बढ़िया बना हुआ है ये, काफ़ी बढ़िया एटमॉस्फेयर है यहाँ का, काफ़ी शांति प्रिय है। और दोस्तों अंदर लेते हैं एंट्री, ये है गेट और इस गेट से जाएंगे अपन अंदर तो फिर अंदर आपको दिखाएंगे। ये गेट खुल चुका है, सेंसर डोर है दोस्तों और ये कुछ इस तरह से है पूरा इनका अंदर का एम्बियंस। ये हमारे भाई बैठे हैं, हाय भाई कैसे हो भाई आप, तो आप क्या कहना चाहोगे सब झांसी वालों से?
भाई कहना चाहते हैं कि सब यहाँ पर आए और एक बार आप लोग जरूर आए दोस्तों। यहाँ इस रेस्टोरेंट में काफ़ी बढ़िया बना हुआ है दोस्तों और काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पर आने में, और काफ़ी बढ़िया एम्बियंस है इनका दोस्तों। आप देखिए मेरे साथ कितना सुंदर ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, देख सकते हैं आप दोस्तों। लाइटिंग देखिए आप दोस्तों, और इनकी ये डिज़ाइन सीनरी वगैरह आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं या दोस्तों के साथ आते हैं तो आराम से यहाँ पर आप पार्टी भी कर सकते हैं, यहाँ सब चीज़ अवेलेबल है दोस्तों। तो भाई कितने बजे तक खुला रहता है ये? 11:30 लास्ट ऑर्डर रहता है। अच्छा, तो मैंने कि 12 बजे क्लोजिंग हो जाती है। 11:30 इनका लास्ट ऑर्डर रहता है दोस्तों। और खुल कितने बजे जाता भाई? सुबह 10 बजे। तो भाई सुबह 10 से रात के 11:30 बजे तक खुल जाता है ये दोस्त, तो आप कभी भी इस टाइम पे आ सकते हैं इसके बीच में। तो चलिए दोस्तों अब हम भी करते हैं एंजॉय, यहाँ पर मनाते हैं बर्थडे अपने दोस्त का। दोस्तों ये है इसका ऊपर वाला सेक्शन, इसमें है ये रेस्टोरेंट और आपने देख लिया होगा सिनेमैटिक में दोस्तों। अब हम जा रहे हैं नीचे और दिखाते हैं आपको कैसा क्या होने वाला है यहाँ पर। और अब ये जा रहे हैं नीचे दोस्तों, नीचे ये आ चुके हैं नीचे दोस्तों। ये है नीचे का सेक्शन इनका, काफ़ी बढ़िया बना हुआ है बैठने के लिए, यहाँ पर सिटिंग के लिए बढ़िया सोफ़ा सेट है इनके, और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है दोस्तों, काफ़ी अच्छी लाइटिंग है और काफ़ी अच्छा एक्सटीरियर है इसका। और अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग करेंगे पार्टी, बर्थडे पार्टी में आए हैं, और अब इनके खाने का स्वाद बताएंगे आपको कैसा लगता है आशा स्काई लाइट में दोस्तों। और दोस्तों अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और एक बार ज़रूर यहाँ आइए दोस्तों। दोस्तों ये आ चुकी है हमारी यहाँ पर ड्राई मंचूरियन, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है दोस्तों। अब आपको इसका हम टेस्ट बताएंगे कि खाने में कैसी लगती है, आई होप आप सभी को पसंद आएगी दोस्तों। और ये है इसकी चटनी सॉस। और दोस्तों दूसरी डिश हम लोगों ने ऑर्डर करी थी ये हाका नूडल्स, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रही है, इसमें शिमला मिर्च डली हुई है दोस्तों। इसका भी आपको हम टेस्ट बताते हैं खाने में कैसी लगती है। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपन ट्राई। दोस्तों ये ले लिया है हमने हाका नूडल्स थोड़ा सा, और ये ले लिया हमने मंचूरियन ड्राई। थोड़ा थोड़ा टेस्ट आपको बताते हैं कि कैसा लगता है ये खाने में आशा स्काई लाइट एंड रेस्टोरेंट पर। चलिए दोस्तों करते हैं ट्राई। और ये आ चुके हैं हमारे फिंगर फ्राइज, ये भी आपको बताते हैं हम कैसे लगते हैं खाने में। तीनों चीज़ ले रहे हैं एक साथ, देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है दोस्तों, आई होप टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे होंगे। सबसे पहले ट्राई करते हैं दोस्तों हम मंचूरियन, और ये मिंट के साथ क्या बात है दोस्तों, काफ़ी अच्छा टेस्ट है दोस्तों मंचूरियन का। वहाँ पर नूडल्स का भी बहुत अच्छा टेस्ट है दोस्तों। फिंगर फ्राइज भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। और जब भी आप यहाँ आएँ तो एंजॉय करिए इनकी डिशेस को, काफ़ी बढ़िया हैं, सभी के टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। यहाँ आइए खाइए और एंजॉय कीजिए दोस्तों, यहाँ आकर काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट है और फूड भी इनका काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो सलाम भाई, तुम्हें कैसे लगा इधर का टेस्ट? अच्छा लगा, बेटर है बहुत। और सोमेश तुम्हें काफ़ी टेस्टी है। है? टेस्टी है काफ़ी। क्या कहना चाहूँगे सर, भैया आइए खाइए।
क्या बात है। तो दोस्तों यही हम कहना चाहेंगे, आइए खाइए और मज़ा लीजिए आप, हम तो ले ही रहे हैं मज़ा। और आपको अभी केवल दिखा सकते हैं हम, स्वाद जानने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा दोस्तों।